हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर वीडियो ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक इनवॉइस पर डबल डिस्काउंट के ऑप्शन को कैसे यूज करते हैं। सो लेट स्टार्ट। ये हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है। इसमें इनवॉइस जनरेट करने के लिए हम न्यू इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कोई भी आइटम सिलेक्ट करेंगे। इसमें हम आइटम वाइज डिस्काउंट देंगे 5% और इसे बिल में ऐड कर देंगे। अब आफ्टर डिस्काउंट जो वैल्यू आ रहा है वो 489.24 आ रहा है। अब अगर इस पे और डिस्काउंट देना चाहते हैं, जैसे अगर आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि उन्हें 400 राउंड फिगर पे करना है और 89.24 का डिस्काउंट चाहिए, तो आप एज अ कैश डिस्काउंट उन्हें इस अप्लाई डिस्काउंट के ऑप्शन को यूज़ करके डिस्काउंट दे सकते हैं। आप यहाँ पे परसेंटेज वाइज देना चाहे तो परसेंटेज वाइज भी दे सकते हैं, और अमाउंट के अकॉर्डिंग देना है तो अमाउंट के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्काउंटेड वैल्यू डालेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 400 रुपीज़ का इनवॉइस राउंड फिगर में हो गया है और 89.24 एज अ डिस्काउंट कंसिडर हो गया है। अब हम इसे सेव एंड प्रिंट करके इनवॉइस पे देख लेते हैं। यहाँ पर डिस्काउंट में 89.24 आ चुका है और 400 रुपीज़ का बिल बन चुका है। अब इसके साथ ही हम POS इंटरफेस में भी डिस्काउंट ऑप्शन को देखेंगे। इसके लिए हमें सेटिंग्स में जाके बिलिंग में जाके बिलिंग इंजन को चेंज करना होगा। इसमें हम पॉइंट ऑफ सेल सेलेक्ट कर लेंगे और साथ ही साथ प्रिंटिंग में जाके इसका टेम्पलेट भी सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेंगे। न्यू इनवॉइस में जाके हम बिल जनरेट करेंगे। नए प्रोडक्ट ऐड किया बिल में। हमें पे 500 रुपीस का अमाउंट आ रहा है। अगर हमें इसमें 40 रुपीस 50 रुपीस जितना भी डिस्काउंट देना है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसे हम 50 रुपीस का डिस्काउंट दे रहे हैं और इनवॉइस को जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे 450 ऑप्शन आ जाता है और सेव एंड प्रिंट हम कर देंगे। इस इनवॉइस को हम डेस्कटॉप पर सेव कर लेंगे। डेस्कटॉप पे जो बिल सेव किया है उसे हम ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 रुपीस कॉस्ट था, इसमें हमने डिस्काउंट दिया है 50 रुपीस का, तो 450 रुपीस टोटल अमाउंट आ गया है और पेड अमाउंट भी 450 शो हो गया है। इसी तरह हम रेस्टोरेंट के इंटरफेस में भी इसे चेक करेंगे। इंटरफेस चेंज करने के लिए सेटिंग में जाएंगे, बिलिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और रेस्टोरेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से रेस्टोरेंट का इंटरफेस सेलेक्ट हो चुका है। अब रेस्टोरेंट में बिलिंग करने के लिए हम पॉइंट ऑफ सेल के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहां से एक बिल जनरेट करेंगे। हमने एक आइटम ऐड किया है, 475 का बिल हुआ है। अब इसमें अगर आप 75 का डिस्काउंट देना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। 75 आप यहां पे ऐड करेंगे और बिल को जनरेट करेंगे। 400 हम इसमें टेंडर अमाउंट देंगे और इसे सेवन प्रिंट कर देंगे। अब ये भी हम चेक कर लेंगे डेस्कटॉप में जाके कि बिल कैसे दिखेगा। ये हमारा रेस्टोरेंट के लिए बिल जनरेट हो चुका है। ये हमारा कॉस्टिंग था प्रोडक्ट का। डिस्काउंट 75 का यहाँ पे शो हो रहा है और जो अमाउंट पे किया है कस्टमर ने वो 400 रुपीज़ है, वो भी आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये तीनों इंटरफेस में हमने चेक किया है। अब जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं उसका इफेक्ट रिपोर्ट्स में होता है, तो रिपोर्ट्स में हम प्रॉफिट एंड लॉस में इसका इफेक्ट देखेंगे। रिपोर्ट्स में जाएंगे, अकाउंट्स में जाके प्रॉफिट एंड लॉस समरी में इसे चेक करेंगे। आप टुडे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सेल डिस्काउंट का ऑप्शन दिखेगा। सेल डिस्काउंट जो आपने दिया है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, उसके बाद में आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट होगा। तो इस तरह से इसका इफेक्ट आप देख सकते हैं। सो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।